So hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely well and good morning to all. तो अभी हम जा रहे हैं खंडवा मंदिर को विजिट करने के लिए. यहाँ पे आगे मुड़गांव करके है प्लेस, वहाँ पे वो खंडवा का मंदिर है, तो वहाँ पे विजिट करेंगे. तो सारे मेरे दोस्त भी वहाँ पे मिलने वाले हैं. अभी यहाँ पे एक स्टार्ट में नदी लगती है, वहाँ पे मिलने वाले हैं. मेरे ट्रेन का ग्रुप है सब, जो भीमा शंकर के टाइम पे थे वो सब है, तो उनके साथ आगे की जर्नी है, तो आपको वहाँ पे मिलता हूँ. चलिए. सो कुछ 8 किलोमीटर का ही रास्ता था, तो हम लोग बाइक पे ही निकल गए थे. सब लोग तीन बाइक से 8 किलोमीटर करना था. सुबह थोड़ा निकले थे कि धूप थोड़ा नॉर्मल प्रेजेंट वेदर था. सो वी आर एट दी खंडेराय देवस्थान. 15 मिनट है अगर आप बदलापुर स्टेशन उतरते हो, तो वहाँ से इस मंदिर को विजिट करने के लिए 15 मिनट लगेगा. ऑटो से भी आ सकते हो आप लोग, आपकी कार रहेगी, कार या बाइक वैसे भी आ सकते हो. रोड अच्छी खासी है, इतना कुछ टेंशन नहीं है. अभी ये स्टेयर्स है पूरा ऊपर चढ़ने के लिए. यस, आमच्या छोटे पण आहेत हेतविक, बाकी ज्यांना तुम्ही ओळखता. हाय, कोण कोण आहे? आज हेतविक आहे आणि जियांश आहे. आमच्यावर दोन ऍडिशनल मेंबर आहेत. एक मेंबर नाही आला, एक हा एक दुसरा मेंबर नाही आला, तो त्या ट्रिपला होता भीमाशंकरला. सो बेसिकली कुछ 600 स्टेयर्स है यहाँ से चढ़ने के लिए ऊपर तक. अभी देखते हैं, धूप थोड़ा और जल्दी आना था लेकिन लेट हो गया हम लोग को. सब लोग आते आते अभी पहुँचने के लिए देखते हैं ऊपर कितना टाइम लगता है. हमने अभी कुछ स्टार्ट किया है 9:25 को, अभी ऊपर पहुँचने तक कितना टाइम लगता है आपको बता दो. स्टेयर्स कंप्लीट है. हाँ, एक्सरसाइज की जरूरत है यार, भाई दोनों भी थक गए. एक्सरसाइज केलीच पाहिजे, केलीच पाहिजे, त्याशिवाय हे पॉसिबल नाही. ट्रेकिंग हे तर नुसते पायऱ्या त्यांना होते, ट्रेकिंग राहिलं. करून कसं वाटतंय? चल रे सांग. नो कमेंट. काय नाही, आपलं नेहमीचंच आहे, बट रेग्युलर एव्हरी वीक नाही बोलताय ना, पण महिना दोन महिन्यातून एकदा करू शकतो. करतो. ट्वेंटी टू 25 मिनट्स लगे ऊपर आए थे, मतलब ऊपर थोड़ा और बाकी है. अभी 20 मिनट हुए और 5 मिनट ऊपर चढ़ने तक हो जाएगा, वो भी बच्चों के साथ. और थोड़ा आप कंटिन्यू चले तो हो जाएगा 20 मिनट तक. हे आधी आले आमच्या, हे रात्री चालायला घेतलेले यांनी, आता पोहोचले. हो गए दर्शन, बाकी सभी मिले.
बहुत ऊपर है, ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। मंदिर की बैक साइड है। हो गए दर्शन, 550 स्टेयर्स ऊपर आने के लिए। बहुत मस्त है ऊपर, मतलब फुल हवा है। अभी थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा गर्मी लग रहा था ऊपर में, तो शाम के टाइम पे मस्त हवा लगेगी ऊपर। अभी उतरते हैं, उतरने के लिए फटाफट उतर जाएंगे। छोटे चढ़ता रहना, चल ले उतरता रहा रहते। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पे मुर्गाव में वड़ा पाव फेमस है, तो वड़ा पाव खाएंगे या फिर वड़ा उसल मिसल जो भी अवेलेबल होगा वो खाएंगे। तो अभी हम सब ने लिया है वड़ा उसल, तो वड़ा उसल खा रहे हैं। एक छोटी वड़ा पाव लिया था, वो अकेला ही खा रहा है, आ रहा तो पाव ही खा रहा है। हे मेनू कार्ड है, हम मेघ मल्लार में खाने के लिए रुके थे। चलो चलो, हो गया नाश्ता करके। मैं आए थे मेघ मल्लार करके, वहाँ पे बटाटा वड़ा बटाटा उठर का है सब। मजा सो हो गए दर्शन, अभी बैक टू होम नाश्ता पानी करके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, विद दैट से गुड बाय, अलविदा, सायोनारा, सी इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेंगे, और थोड़ी और देवदर्शन ही करने आगे भी अपने को, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो टिल देन बाय।